नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत से जुड़े बगैर दुनिया से नहीं जुड़ा जा सकता, मार्क जुकरबर्ग ने कहा। दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भारतीयों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इससे जुड़े बगैर दुनिया से नहीं जुड़ा जा सकता। जुकरबर्ग ने बुधवार को यहां दिल्ली IIT के छात्रों तथा शिक्षकों से खचाखच भरे IIT टाउन हॉल में कहा कि दुनिया में 4 अरब लोग अभी भी इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें इंटरनेट से जोड़ने की बुनियादी सुविधाएं मिले। जुकरबर्ग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कैंडी क्रश रिक्वेस्ट का निकालने पर उनकी टीम काम कर रही है। नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि रेगुलेशन पर हम अथॉरिटीज के साथ काम कर रहे हैं। गौमांस विवाद, हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता को बुधवार को कथित तौर पर झूठी शिकायत करने के लिए हिरासत में ले लिया। उसने शिकायत की थी कि केरल भवन की कैंटीन में गौमांस परोसा जा रहा है। पुलिस उपायुक्त जतिन नारवाल ने कहा कि गुप्ता से पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने और कोई जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस मंगलवार को केरल भवन में घुस गई थी, जिसके चलते भारी विवाद खड़ा हो गया था। दूसरी ओर गौमांस परोसे जाने को लेकर उठे विवाद के कारण मेन्यू से हटा दिया गया बीफ केरल भवन की कैंटीन में बुधवार को फिर से मिलने लगा। पटाखे छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उच्चतम न्यायालय ने त्योहारों के अवसर पर पटाखे छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटाखे छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध ठुकरा दिया। हालांकि न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पटाखों के प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन जारी करे। एक अन्य फैसले में न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश PC पंत की पीठ ने कहा कि राष्ट्र के हित में आवश्यक हो गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को सभी तरह के आरक्षण से दूर रखा जाए। चीन ने किया अमेरिकी युद्धपोत USS लासेन का पीछा, दी चेतावनी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में उसके द्वीप के निकट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS लासेन भेजने के लिए अमेरिका की कड़ी निंदा की। साथ ही अमेरिकी राजदूत को तलब करके घटना का विरोध दर्ज कराया है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन के मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत ने USS लासेन का पीछा किया और उसे चेतावनी भी दी। उसने कहा कि अमेरिकी गश्त उकसाने वाला कदम है और यह दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार परिवहन की आजादी का भी दुरुपयोग है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।